हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम स्ट्रक्चर की। कोई भी सी प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है और उसमें जो हम वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे लोकल वेरिएबल हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया, तो उसमें कैसे हम क्लियरली डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन से लोकल वेरिएबल है और कौन से ग्लोबल वेरिएबल है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद प्रोग्राम स्ट्रक्चर। प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले हम लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो देखिए, लोकल वेरिएबल हमको पता है कि लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं दोज हु आर रिकग्नाइज ओनली विद इन ए सिंगल फंक्शन। जो एक सिंगल फंक्शन के अंदर केवल रिकग्नाइज होते हैं वो आपके लोकल वेरिएबल कहलाते हैं, और जो ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं उनका क्या सीन है कि वो जो है रिकग्नाइज किए जाते हैं इन टू और मोर देन टू फंक्शन। तो लोकल वेरिएबल मतलब विद इन ए सिंगल फंक्शन, और ग्लोबल वेरिएबल कैन बी रिकग्नाइज इन टू और मोर देन टू फंक्शन। तो ये तो बेसिक हमने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का डिफरेंस पढ़ा था। अब इसमें आगे एक चीज आती है कि स्टैटिक एंड डायनेमिक रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ये लोकल वेरिएबल। क्या मतलब हुआ कि लोकल वेरिएबल नॉर्मली डज नॉट रिटेन इट्स वैल्यू वंस कंट्रोल हैज बीन ट्रांसफर्ड आउट ऑफ इट्स डिफाइनिंग फंक्शन। इन सम सर्कमस्टांसेस हाउएवर इट मे बी डिजायरेबल टू हैव सर्टेन लोकल वेरिएबल्स रिटेन दियर वैल्यूज सो दैट द फंक्शन कैन बी री एंटर्ड एट ए लेटर टाइम एंड द कंप्यूटेशन रिज्यूम। मतलब कि जनरली क्या होता है कि मान लीजिए कोई से हमने कहा F1 कोई फंक्शन है, इसके अंदर हमने कोई लोकल वेरिएबल डिफाइन किया है इंटीजर ए, और अपना जो भी हमने फंक्शन बनाया है यूज किया और यहाँ बंद हो गया। अब क्या होता है कि जब भी प्रोग्राम का कंट्रोल फंक्शन की बॉडी से बाहर आता है तो इसके अंदर जो भी वैल्यू, मान लीजिए इसके अंदर वैल्यू आई है यहाँ पे लास्ट में 4, तो जब प्रोग्राम का कंट्रोल इससे बाहर आ जाएगा तो ये ए से ये वैल्यू हट जाती है, ठीक। लेकिन कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि मान लीजिए दोबारा फिर इस पॉइंट अप पे फिर हमने F1 को कॉल किया, तो हमें क्या जरूरत पड़ता है, हमें पुराने ए के वैल्यू की जरूरत पड़ सकती है, ठीक। तो इस तरह की सिचुएशन में कि इट मे बी डिजायरेबल टू हैव सर्टेन लोकल वेरिएबल्स रिटेन दियर वैल्यू, हमें जरूरत पड़ती है कि ऐसे लोकल वेरिएबल की जो अपनी वैल्यू को रिटेन कर सके ताकि आगे कभी हम उसको जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लें। तो ये सब जो चीजें हैं इसको करने के लिए आपको डिफरेंट तरह के स्टोरेज क्लासेस और ये सारी चीजों को आना चाहिए। अच्छा, एक सिचुएशन और होती है कि इट ऑल्सो मे बी डिजायरेबल टू डेवलप ए लार्ज मल्टी फंक्शन प्रोग्राम्स इन टर्म्स ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट फाइल्स विद ए स्मॉल नंबर ऑफ फंक्शंस। हो सकता है केवल एक फंक्शन हो डिफाइंड विद इन ईच फाइल। इन सच प्रोग्राम द इंडिविजुअल फंक्शन कैन बी डिफाइंड एंड एक्सेस लोकली विद इन ए सिंगल फाइल और ग्लोबली विद इन मल्टीपल फाइल्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपको लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल इन ए मल्टी फंक्शन सिंगल फाइल प्रोग्राम, इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं स्टोरेज क्लास से। फर्स्ट वी स्टार्ट विद स्टोरेज क्लास। अब देखिए, स्टोरेज क्लास क्या होता है कि हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि वेरिएबल्स को हम कैरेक्टराइज करते हैं दो तरीके से। एक तो डाटा टाइप होता है, डाटा टाइप मतलब कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है या करेक्टर है। तो ये तो हो गया वेरिएबल्स को करेक्टराइज करना बाय डाटा टाइप कि किस तरह का डेटा हम उसमें स्टोर करने जा रहे हैं। दूसरा तरीका होता है बाय स्टोरेज क्लास, बाय स्टोरेज क्लास। तो वेरिएबल्स कैन बी कैरेक्टराइज इन टू वेज, एक आइदर बाई डाटा टाइप और सेकेंड हो गया स्टोरेज क्लास। अब आती है बात स्टोरेज क्लास की, ठीक है।
स्टोरेज क्लास का मतलब क्या होता है कि स्टोरेज क्लास रिफर्स टू द परमानेंस ऑफ ए वेरिएबल। स्टोरेज क्लास का मतलब होता है कि कोई वेरिएबल में जो वैल्यू हमने स्टोर की है परमानेंस, ठीक है, ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है, परमानेंस ऑफ ए वेरिएबल एंड इट्स स्कोप विद इन द प्रोग्राम, कि उस वेरिएबल की क्या परमानेंस है और उसका क्या स्कोप है विद इन द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के अंदर उसका क्या स्कोप है, ठीक है। या स्कोप का मतलब ये हुआ कि द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम ओवर विच दैट वेरिएबल इज रिकग्नाइज, ठीक। अब देखिए स्टोरेज का क्लास की जब हम बात करेंगे तो There are four different storage class specification. चार तरह की स्टोरेज क्लास होती है सी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि अभी हम लोग सी लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी होती है? एक होता है ऑटोमेटिक, ठीक, एक होता है आपका एक्सटर्नल, एक होता है स्टैटिक। ऑटोमेटिक हो गया, एक्सटर्नल हो गया, स्टैटिक हो गया, और एक होता है लास्ट में आपका रजिस्टर। ये चार तरह की स्टोरेज क्लास होती है सी में, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक और रजिस्टर, ठीक है। इसको हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। अब इसको इन ये जो ऑटोमेटिक है, एक्सटर्नल है, स्टैटिक है, रजिस्टर है, इनको किस कीवर्ड से हम रिकग्नाइज करते हैं, मतलब अब ऑटोमेटिक पूरा नहीं लिखेंगे ना, उसको डिफाइन करना है। तो इसके कीवर्ड्स क्या होते हैं, इसके लिए हम लिख देंगे ऑटो, एक्सटर्नल के लिए हम लिखते हैं एक्सटर्न, ऐसे समझ लीजिए आप। स्टैटिक के लिए तो चलिए स्टैटिक ही लिखते हैं, ठीक, और रजिस्टर के लिए भी रजिस्टर ही लिखते हैं। तो ये क्या हो गए, ये इन स्टोरेज क्लास के कीवर्ड हो गए, इन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल हम करते हैं प्रोग्राम में, ठीक। अब इसमें क्या है कि द स्टोरेज क्लास क्या होता है, द स्टोरेज क्लास एसोसिएटेड विद ए वेरिएबल कैन समटाइम्स बी एस्टेब्लिश्ड सिंपली बाय द लोकेशन ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन विद इन द प्रोग्राम। मतलब स्टोरेज क्लास को जो हम डिफाइन करते हैं, तो द स्टोरेज क्लास एसोसिएटेड विद ए वेरिएबल कैन समटाइम्स बी एस्टेब्लिश्ड सिंपली बाई लोकेशन ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन विद इन द प्रोग्राम। मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम ही हम उसका स्टोरेज क्लास डिक्लेयर कर देते हैं। और सिचुएशन में, इन अदर सिचुएशन हाउएवर, द कीवर्ड दैट स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर स्टोरेज क्लास मस्ट बी प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन। यानी कुल मिला के आप ये देखिए कि स्टोरेज क्लास को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सिंपली हम इस तरह से डिक्लेयर, मान लीजिए हमने कोई, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए, हमने डिक्लेयर कर पढ़ते आए इंटीजर ए बी सी, ऐसे हमने डिक्लेयर कर दिया, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे इसका ऐसे आप लिख सकते हैं ऑटो इंटीजर ए बी सी, मतलब हमने ये आपका स्टोरेज क्लास भी यहीं पर डिफाइन कर दिया वेरिएबल्स के लिए। ऐसे ही मान लीजिए और एक एग्जाम्पल ने हमने लिखा एक्सटर्न, और फिर हमने लिखा फ्लोट, और फिर हमने कोई भी वेरिएबल दे दिया आर वन और आर टू इस तरह। या स्टैटिक आपको देना, आपने दे दिया स्टैटिक, फिर इंटीजर वो आपने लिखा इंटीजर, और कोई भी आपने दे दिया से काउंट। तो ये स्टोरेज क्लास डिफाइन हो गया, ये डेटा टाइप डिफाइन हो गया, और ये वेरिएबल के नेम हो गए, ठीक। ऐसे करेक्टर टाइप आपको देना, आपने दिया एक्सटर्न, आपने यहाँ पे दिया करेक्टर, और कुछ भी से आपने दे दिया एस वन। तो इस तरह से स्टोरेज क्लास को हम डिक्लेरेशन के टाइम ही डिफाइन कर देते हैं, ठीक। अब इसके बाद डिपेंड ये करता है कि जैसे हमें एग्जैक्टली क्या स्टोरेज क्लास को देना है वेरिएबल को, तो द एग्जैक्ट प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशिंग ए स्टोरेज क्लास फॉर ए वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर स्टोरेज क्लास एंड द मैनर इन विच द प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज। मतलब स्टोरेज क्लास को
को डिफाइन करने का जो एग्जैक्ट प्रोसीजर है वो ये है, वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर स्टोरेज क्लास पे और प्रोग्राम जो डेवलप किया जा रहा है वो किस मैनर में। किस मैनर में मतलब कि वो सिंगल फाइल प्रोग्राम है या मल्टीपल फाइल प्रोग्राम है, यानी उस प्रोग्राम का इस्तेमाल एक सिंगल फाइल में होगा, फाइल के लिए होगा कि मल्टीपल फाइल्स के लिए होगा। इन सब पे डिपेंड करता है कि स्टोरेज क्लास को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब ये तो आपको बेसिक बता दिया कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब जो आपको ये तीनों दोनों तीनों तरह के चारों तरह के वेरिएबल्स आपको बताए, ऑटो हो गया, एक्सटर्न हो गया, ठीक है, स्टैटिक हो गया और रजिस्टर हो गया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको प्रोग्राम स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और ये सब चीज़ें बहुत माइन्यूटली आप इसको सीख लीजिए प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।